गाइज, वैसे तो नीलगाय खुले एरिया में रहना पसंद करती हैं, और इस टाइम जब सर्दी पड़ना शुरू होती है तब तो इनके छोटे छोटे बच्चों के साथ ये खेतों में दो कहीं, चार कहीं, छह कहीं ऐसे नज़र आ जाती हैं आपको, और अपने बच्चों को दौड़ाती रहती हैं। ये उनमें दौड़ने की क्षमता बनी रहे। लेकिन 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 कभी कभी ऐसा होता है, इनको जब खतरा नजर आता है, ये नील गाय को अपने बच्चों का खतरा नजर आता है, इंसान दिखते हैं आसपास या कुछ कुत्ते नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ गांव के आसपास खुले एरिया में तो कुत्ते भी इनको दौड़ा दौड़ा कर मार सकते हैं, तब ये सारी दौड़ना शुरू करती हैं। जितने भी चार, छः, दो, आठ आसपास होते हैं, सारी दौड़ दौड़ कर एक जगह इकट्ठे हो जाती हैं। अब देखो, आप देखोगे लास्ट में जाकर सारे एक जगह एक झुंड में इकट्ठी हो जाएंगी। तो हर एक जानवर हो या इंसान हो, देखो सामने जो इंसान दिख रहे हैं ना पीछे, उनकी वजह से ये अपने बच्चों को बचाने के लिए दौड़ दौड़ तक कर सारी की सारी खेत में, किसी खेत में जाके या कहीं चौड़ा ऐसी जगह हो वहाँ जाके सारे नीलगाय एक साथ हो जाते हैं, और बच्चों को सबको एक साथ बीच में कर लेते हैं, और आसपास का जो खतरा है उसको तारने की कोशिश करते हैं। अब इस समय दोस्तों आपको सामने नीलगाय तो नज़र आ रही है, लेकिन आसपास बहुत ज़्यादा कोहरा भी नज़र आ रहा है। सर्दियों के टाइम पर कोहरा, धुंध तो होती ही है, और खासकर मैदानी क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा धुंध होती है, और नीलगाय भी हमेशा खुले मैदानों में रहना पसंद करती हैं, क्योंकि हमारे आसपास यहाँ बहुत सारे जंगल हैं, लेकिन जंगल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि खुले मैदान में आती हैं। लेकिन बच्चों को बचाने के लिए ये झुंडों में इकट्ठे हो जाते हैं जब इनको आसपास खतरा खतरा नजर आता है। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को शेयर ज़रूर करना।